शनिवार सुबह बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया। राष्ट्रीय जनता दल ने इस घोषणा पत्र की जगह परिवर्तन पत्र नाम दिया है। परिवर्तन पत्र जारी किए जाने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत आरजेडी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इस दौरान आरजेडी ने बातों और वादों का बड़ा पिटारा जनता के लिए खोल दिया। अपने घोषणा पत्र में आरजेडी के द्वारा 24 वादे किए गए हैं। इसमें 1 करोड़ रोजगार से लेकर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 अगस्त से लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलने शुरू हो जाएगी। अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो 15 अगस्त से नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए भी देंगे। हम लोगों को महंगे गैस सिलेंडर से निजात दिलाएंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिलाएंगे। अब देखना यह है कि तेजस्वी के वादों पर जनता कितना खरा उतरेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के विकास के बगैर देश विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने ऐलान किया कि केंद्र में अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार को 1.60 लाख करोड़ का विशेष पैकेज भी मिलेगा। बिहार की प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपए के विशेष धनराशि मिलेगी जो इस पैकेज के तहत होगी। अग्निवीर योजना को वापस लेने और अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देना, बिहार में हर घर 20 यूनिट बिजली मुफ्त और गरीब परिवारों को बिजली बिल से निजात दिलाएगी, सी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवानों की मृत्यु होने पर उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। वहीं रेलवे की नियुक्ति 2014 के पूर्व बालकों पर ले जाकर इसे दोगुना करते हुए निराश युवाओं को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। शानदार कनेक्टिविटी के लिए बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राक्सोल में एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन व युवतियों की सहूलियत के लिए ये एयरपोर्ट आवश्यक है। सभी प्रदेशों और पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी तब और बेहतर होगी। बिहार के कृषि उत्पादों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य सुनिश्चित करेंगे। कृषकों को समर्पित नीतियां किसानों के साथ बैठकर बनाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश लागू करेंगे। वंचित उपेक्षितों के कल्याण के लिए मंडल कमीशन की शेष सिफारिश को लागू किया जाएगा। इस बार बिहार में आरजेडी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट और मंडल कमीशन के लागू करने के वादा कर गरीब पिछड़ा वर्ग के साथ किसानों पर भी दांव खेला है।